ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिजाब का मतलब आप समझो, हिजाब का मतलब आपको कोई भी आप हिजाब का मतलब मत समझो। हिजाब देखा तुम सेम मिसेंट करो। मैडम आपने को बोलने रात के वक्त मैंने बोली थी, आप मिसेंट कर रहे हो। मेरे को बोलने एक मिनट, हिजाब का मतलब बोलो। चिल्ला के बात करने से नहीं, क्योंकि आए तो मेरा आवाज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो बीच में बोल रही है। प्लीज, वरना मैं कब से आवाज नहीं बढ़ा रही। हाँ सुनिए, हिजाब का मतलब कि आपने अपना फेस कवर किया है, बॉडी जो नॉर्मल कपड़े है इस टाइप के। बुरखे का मतलब ये है कि आप वो पूरा ब्लैक कपड़ा पहनते हो, नहीं अंदर लेडीज है जेंट्स है पता भी नहीं चलता, क्योंकि ढीला ढीला पहनते हो तो कहां से पता चलेगा अंदर लेडीज है जेंट्स है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, भले अंदर लेडीज हो के जेंट्स हो, दूसरी अगर मान लो कि आपने बोला कि हम सिक्योरिटी को, जैसे कि वो होटल में लेडी घुसी थी और सिक्योरिटी को बोलता तो खोल के दिखाती, नहीं दिखाया। अब जब बाद में टेररिस्टों को ढूंढा गया कि भाई ये कौन टेररिस्ट, उनका फेसेस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, तब वो हिजाब वाला जो था या थी वो नहीं पकड़ा गई क्योंकि वो हिजाब पहनती थी। अगर मान लो वो शर्ट पैंट वाले ऐसे होते तो एटलीस्ट वो पकड़ा तो जाते। पॉइंट अभी ये कि इनको पकड़ के सजा दे के ये करने का पॉइंट है। अल्टीमेटली शर्ट पैंट वाला भी करेगा और अल्टीमेटली ये भी करेगा। इसीलिए बुरखा का बैन, सिर्फ इसीलिए। आज की तारीख में मेरी बहन ने खुद ये धूप छाव में ऐसा बुरखे पहन के नहीं निकलती है, वो अपना मुंह ढकती है जैसे आपने ढका है अपना। ये सब ढकती है वो सही है।